शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले 2 महीने से चना उपार्जन केंद्र से चना किसानों को काफ़ी राहत मिली थी। सीजन की शुरुआत से MSP होने के बावजूद किसान खुले बाजार में कम दरों पर इसे बेच रहे थे। वहीं हालांकि सीजन के अंत में कीमतों में अंतर देखकर किसानों ने सरकारी खरीद केंद्र पर चना खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन पिछले 2 महीने में चने की रिकॉर्ड खरीद के कारण राज्य भर में उपार्जन केंद्र बंद होने से किसान आक्रोशित हैं। राज्य भर के किसानों ने नेफेड पर सवाल उठाए और विरोध भी किया। इसके बाद खरीद केंद्र खोले गए। किसानों की मांग को देखते हुए प्रशासन ने 18 जून तक उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रदेश में चना उपार्जन केंद्र को लक्ष्य पूरा करने की बात कहकर फिर से इसे बंद कर दिया गया। वहीं लातूर के रहने वाले किसान का कहना है कि इस साल चने का अच्छा उत्पादन हुआ है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी हो रही थी, लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिला। वहीं उपार्जन केंद्र बंद होने से कुछ किसानों को नुकसान हुआ है। उपार्जन केंद्र पर प्रति क्विंटल भाव खुले बाजार से करीब 1,000 रुपये अधिक था। कीमतों में बढ़ते अंतर को देखते हुए किसानों ने चने को MSP पर बेचने का फैसला किया था। इससे चना उपार्जन केंद्र पर ना सिर्फ आवक बढ़ी बल्कि किसानों को भी फायदा हो रहा था। वहीं रबी सीजन के दौरान चने की रिकॉर्ड बुआई हुई थी। नजीतनम खुले बाजार की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है क्योंकि आवक लगातार बढ़ रही थी। अब जबकि केंद्र बंद है, किसानों के पास खुले बाजार में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। यही वजह है कि अब खुले बाजार में भी भीड़ लग गई है। किसान कम पैसे में उपज बेचने को मजबूर हैं। इस वर्ष चने का MSP 5,230 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि खुले बाजार में भाव 4,600 रुपये हैं। अब चने की कीमतों में खरीद केंद्र के बंद होने से और गिरावट की संभावना है। इससे पहले 23 मई को राज्य भर में खरीद केंद्र को अचानक बंद कर दिया गया था। इससे ना सिर्फ किसान बल्कि केंद्र संचालक भी अनजान थे। अचानक लिए गए इस फैसले से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई थी कि वह बची हुई उपज को कहाँ बेचेंगे। हालांकि किसानों के विरोध के बीच 18 जून तक केंद्र को फिर से खोलने का फैसला किया गया, लेकिन अब लक्ष्य से अधिक चने की खरीद के कारण इन्हें फिर से बंद कर दिया गया है और किसान मुश्किल में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।